Hi everyone, I'm Tasfir Khan and you are watching me on my YouTube channel, which is NutriGlimpse. And today's topic of our discussion about food and nutrition is what basically is diet and what is balanced diet. Discuss about what is diet. Any kind of food that we eat on which a person rely is for diet. Means सिंपल सा है, लाइक एक पर्सन दिन में चाहे वो हेल्दी फूड हो चाहे वो अनहेल्दी फूड हो, जो भी फूड खा रहा है ना उसे डाइट में कंसीडर किया जाता है। कहें तो बैलेंस डाइट जो है ना, हमारे पास ऐसी डाइट है जिसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस जनरेट किया हुआ है। किसी भी पर्सन की कैलोरिक रिक्वायरमेंट के लिहाज से जो डाइट बनाई जाती है ना, जिसमें न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस बनाया जाता है, ताकि उस पर्सन के अंदर किसी किस्म की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशनल एक्सेस ना हो जाए, तो उस डाइट को कहते हैं बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट का जो प्रोपोर्शन है वो किस तरीके से होता है, लाइक 40% ऑफ आवर मील जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे कंसीडर करता है, 10% फैट्स पे, 25% मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स एंड 25% ब्रेड एंड सीरियल्स पे। तो ये हमारे पास कुछ फूड जो है वो बेसिकली हमारे पास 5 फूड ग्रुप्स हैं, जिसमें ब्रेड एंड सीरियल्स आ जाते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आ जाते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैट आ जाते हैं। सबसे पहले हम एंड सीरियल्स, ब्रेड एंड सीरियल्स वाला जो फूड ग्रुप है ना, इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टार्ची कंपोनेंट पाया जाता है। इसलिए जो स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा या सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और रफली अगर कंसीडर किया जाता तो हमारी डाइट का जो हमारी मील प्लान का 1/3% जो है ना वो कंसीडर होता है अबाउट सीरियल्स एंड ब्रेड्स के ऊपर। अब अगर हम इसकी 1 serving साइज के लिहाज से बात करें तो 180 ग्राम कुक पास्ता या फिर 75 ग्राम ड्राइड पास्ता 1 serving दे रहा होता है। ऐसे ही अगर हम चपाती की बात करें तो 6 inch की चपाती, जो कि आपके पाम साइज से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है, वो एक सर्विंग साइज प्रोवाइड कर रही होती है। जबकि पाकिस्तानी रेशियो अगर देखा जाए, पाकिस्तान में कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा शायद जो 6 inch की रोटी खाता हो। या हमारे तवे जो हैं, हमें आदत है तवे साइज़ की रोटी बनाने की, लाइक 12 inches की, ऑलमोस्ट डबल साइज़ की रोटी खाने की, तो वो 1 serving साइज नहीं 2 serving साइज जनरेट करती है। उसके अलावा अगर आप सीरियल्स लेते हो, जो है ओट मील्स वगैरह ले रहे हो, तो वो 40 ग्राम्स के अबाउट जो है 1 serving देती है। ऐसे ही पोटैटो वैसे तो है वेजिटेबल्स में से, लेकिन वो स्टार्ची वेजिटेबल है, इसलिए उसे सीरियल्स एंड ब्रेड्स में ही कंसीडर किया जाता है। तो 1 baked पोटैटो जो है ना, जो आपके मीडियम साइज मतलब आपके फिस्ट के साइज का पोटैटो जो है वो 1 serving प्रोवाइड करता है। और अगर हम मीडियम स्लाइस ऑफ ब्रेड की बात करें तो 2 medium bread slices जो होते हैं, ब्रेड के मीडियम साइज जो होते हैं, 2 slices होंगे तो 1 serving होगी। अगर लार्ज ब्रेड का साइज है तो 1 slice इज इक्वल टू 1 serving। है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर हम डेयरी के साइड पर जाएँ तो डेयरी जो है ना, वो सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन्स, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड कर रही होती हैं। और मिनरल्स में भी अगर हम बात करें तो मेजर मिनरल जो है हमारे कैल्शियम मिल रहा होता है, जो कि हमारी बोन हेल्थ और टीथ हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेंथनिंग इंक्रीज करता है कैल्शियम। एक हेल्दी ईटिंग प्लान में जो हम मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क लेते हैं, वो हम लो फैट मिल्क या फिर फैट फ्री मिल्क लेते हैं। अगर इसकी सर्विंग साइज की बात करें तो हमारे पास 125 ml मतलब हाफ ग्लास सर्विंग मिल्क की 1 serving जनरेट कर रही होती है। ऐसे ही योगर्ट की बात करें तो हमारे घर में छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं ना, तो वो 1 कटोरी अगर हम ले रहे हैं, मतलब छोटी सबसे मीडियम साइज़ की 6 to 8 tablespoons का रखता है, तो वो 1 serving जनरेट कर रही होती है। और अगर चीज़ की बात किया तो 30 grams ऑफ चीज़ जो है वो 1 serving जनरेट कर रही होती है। मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, तो मीट जो है, जैसे कि हमें पता है सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी में मीट से आ रहा होता है, और हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो हमें प्रोवाइड कर रही होती है अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड का मेजर फंक्शन क्या होता है कि वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी को बनाने में ही, रीजनरेट करने में ही
सारा काम अमाइनो एसिड्स का होता है, लाइक हमारे नेल्स हो गए, हमारे हेयर्स हो गए, तो ये क्या है, प्रोटीन इन नेचर होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली बिल्ड और रीशेडिंग होती रहती है इनकी, तो इन्हें दोबारा से ग्रो करने में, बनने में जिस चीज़ की हेल्प होती है वो होते हैं प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स। अगर वो हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होने की वजह से हमारे जो है हेयर या नेल्स की में प्रॉब्लम आ सकती है। सर्विंग साइज़ की अगर हम बात करें तो 1 oz चिकन या फिर 1 जो ग्रिल्ड चिकन का पीस होता है ना, जो आपके हैंड के हाफ साइज के बराबर होता है, तो वो 1 serving प्रोवाइड करता है। जबकि अगर एग की बात करें तो होल एग की कंसीडर करें तो 1 egg whole वो 1 serving दे रहा होता है, और योक के अलावा अगर हम 2 egg white की बात करें तो वो 1 serving दे रहे होते हैं। ऐसे ही सेलमन भी जो है ग्रिल्ड चिकन की तरह ही उसका जो है सर्विंग साइज है, लाइक 1 piece of fresh salmon जो है जो आपके हैंड के हाफ साइज की है वो 1 serving प्रोवाइड कर रही होती है। सही बीन्स की अगर बात करें तो वो 1/2 टेन के बराबर जो है वो 1 serving प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हमारे पास क्या हो जाता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ना वो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी को वाइटामिन एंड मिनरल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ ये एक पैकेज है ऑलमोस्ट फाइबर का, मिनरल्स का और वाइटामिन्स का। अगर हम सर्विंग साइज की बात करें तो पहले मैं आपको फ्रूट्स की सर्विंग साइज का बताती हूँ, फिर वेजिटेबल्स की। फ्रूट्स जो है ना वो मीडियम साइज का कोई भी फ्रूट ले लें वो 1 serving के बराबर आता है, लाइक 1 medium orange, एप्पल, पियर, बनाना, 1 serving। लेकिन अगर आप ग्रेप, चेरीज और बेरीज की बात करें तो हैंडफुल ऑफ ग्रेप, चेरीज एंड बेरीज 1 serving रखनी है। प्लम्स और कीवी की बात करें तो 2 plums और 2 kiwis इज इक्वल टू 1 serving। फ्रूट जूस की बात करें तो 150 ml का फ्रूट जूस जो है वो 1 serving दे रहा होता है। और ड्राइड फ्रूट की अगर हम बात करें तो 30 grams ऑफ ड्राइड फ्रूट जो है हमें 1 serving दे रहे होते हैं। फैट्स, फैट्स जो है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल सोर्स है। फैट्स का हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पता है हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स है ना उनके बाहर एक लेयर लगी होती है जो कि फैट इन नेचर होती है। अगर हमारी बॉडी में फैट नहीं होगा तो वो लेयर जो है वो डिस्टर्ब पहुँचर हो जाएगी और हमारे ऑर्गन्स को डायरेक्ट डैमेज पहुँचेगा। उसके अलावा जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था हमारे पास कुछ वाइटामिन्स होते हैं जो कि फैट इन नेचर होते हैं, फैट सोलेबल वाइटामिन्स, जिनकी सॉलिबिलिटी फैट हो तो ही पॉसिबल है वरना नहीं है। अगर बॉडी में फैट की डिफिशेंसी हो गई तो वो जो वाइटामिन है फैट सोलेबल वाइटामिन्स वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। उनके एब्जॉर्ब ना होने की वजह से बॉडी में उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। बॉडी में उनकी डेफिशिएंसी होगी तो लाजमी बात है कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम जो है वो जनरेट हो जाएंगी जो स्पेसिफिक उस वाइटामिन की डेफिशिएंसी से होती होंगी। अगर इसकी सर्विंग साइज की बात करें तो हमारे पास 8 to 10 olives जो हैं, चाहे वो ग्रीन ऑलिव्स हों चाहे ब्लैक ऑलिव्स हों, वो 1 serving देती है। 10 peanuts 1 serving देती है। 5 to 6 almonds जो हैं 1 serving देती है। 2 tablespoons ऑफ एवोकेडो जो है 1 serving दे रही होती है। 1 tablespoon ऑफ ऑयल, ऑयल कोई भी सकता है वो बटर, मार्जरीन या मायोनीज, वो 1 serving दे रही होती है। की बात की तो सर्विंग जनरेट किस तरीके से होती है और सर्विंग का पता किस तरीके से चलता है उसके लिए एक न्यूट्रिशनल टूल जनरेट किया गया है जिसे हम कहते हैं फूड गाइड पायरामिड। फूड गाइड पायरामिड की शक्ल जो है ना पायरामिड की तरह की क्यों बनाई गई है, इससे ये पता चलता है जो बेस बॉटम साइज पे जो फूड ग्रुप है ना वो हमें सबसे ज़्यादा सर्विंग प्रोवाइड कर रहा होता है, मतलब उसकी सबसे ज़्यादा सर्विंग हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जबकि टॉप साइज पे जो है टॉप पे जो है उसकी सबसे कम, मतलब सिर्फ आप 1 tablespoon या 2 tablespoon इतनी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बॉटम में हमारे पास आता है ब्रेड एंड सीरियल्स, जिसकी हम 6 to 11 serving जो है पूरे दिन में ले सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि 6 to 11 serving आपने एक खाने में ही पूरी करनी है। ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट में ही इतना ज़्यादा ब्रेड एंड सीरियल्स ले लेना कि उसकी 6 to 11 serving में से कोई भी सर्विंग पूरी हो जाए। नहीं, आपने जो 5 meals जनरेट करने थे पूरे दिन में, जिसमें 2 snacks आते हैं और 3 lunch आते हैं, तो उसमें आपने प्रोपोर्शन डिवाइड करना होता है किस तरीके से, आपने कितना जो है सर्विंग साइज
मील ब्रेकफास्ट में लेना है, कितना लंच में लेना है, कितना डिनर में लेना है और कितना स्नैक्स में लेना है। उसके अलावा सेकंड पोर्शन में हमारे पास आते हैं फ्रूट ग्रुप्स। फ्रूट ग्रुप्स जो है वो 2 to 4 servings आप ले सकते हो पूरे दिन में। वेजिटेबल्स 3 to 5 servings। मीट एंड पोल्ट्री की बात करें तो 2 to 3 servings, और मिल्क एंड योगर्ट 2 to 3 servings। जबकि फैट्स जो हैं, फैट्स ऑयल या स्वीट्स, वो स्पेयरिंगली यूज करते हैं, मतलब या ऊपर स्प्रे के फॉर्म में यूज करते हैं या फिर टी स्पून के फॉर्म में यूज करते हैं, टेबल फॉर्म्स के, टेबल स्पून के फॉर्म में। ये नहीं कि आप बल्क में यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। और मोस्टली जो फैट्स वगैरह है ना, हम डाइट प्लान बनाते वक्त कभी भी उसको एज सच बताते नहीं किसी को कि आप ऊपर से इतने चमचे डालें, क्योंकि वो आप जब फूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर ही कुछ ऑयल डालते हैं, और हम उसी को कंसिडर कर लेते हैं एज अ फैट कंपोनेंट। आती है माई प्लेट। माई प्लेट जो है वो यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने क्रिएट की थी माई प्लेट। और ये बनाई क्यों गई थी, ताकि एक जो पेरेंट्स है ना, वो अपने बच्चों के लिहाज से देख सकें कि हमारे बच्चे को किस तरीके से हमने बैलेंस या न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड करना है। इस प्लेट के सेक्शंस जो कलरफुल सेक्शंस है ना, वो डिवाइड करते हैं कि आपको एक प्लेट में कितने पोर्शन में क्या चीज़ रखनी चाहिए, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, प्रोटीन्स एंड डेरी। आप एक प्लेट जनरेट करें ब्रेकफास्ट के लिए, तो आप उसमें जो है 1 slice of bread रख सकते हो या 2 slice of bread रख सकते हो। उसके अलावा अगर वो नहीं रखना तो 6 inch की एक रोटी रख सकते हो, 1/3 cup of rice रख सकते हो, आपकी मर्जी, या फिर आप 1 cup जो है ना ओट मील रख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। उसके अलावा आप फ्रूट्स अगर दे रहे हो मील में, तो मीडियम साइज का कोई एक फ्रूट या फिर जो है, हाँ एक फ्रूट दे सकते हो आप। वेजिटेबल्स में आप सैलड की फॉर्म में दे सकते हो या फिर आप सालन की फॉर्म में दे सकते हो, वो आप पे डिपेंड करते हैं। प्रोटीन जो है वो आप दाल की फॉर्म में आ सकती है या फिर ग्रिल्ड चिकन की फॉर्म में आ सकती है। डेयरी जो है वो आप मिल्क की फॉर्म में दे सकते हो, योगर्ट की फॉर्म में दे सकते हो, वो डिपेंड करती है आप पे। इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग एंड सेइंग इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट। ये एक मैसेज है मेरी तरफ से कि सिर्फ और सिर्फ खाने से कोई भी पर्सन जो है वो हेल्दी नहीं होता, जब तक वो अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को सही नहीं करेगा, अपनी सोचों को सही नहीं करेगा, या फिर बोलने से पहले सोचेगा नहीं कि वो क्या बोल रहा है, तब तक एक हेल्दी और पीसफुल पर्सन जनरेट नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर योर टूडेज लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।